हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, इसका डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे और यहाँ पे कौन इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, क्या रिएजेंट होगा, रिएजेंट के हम देख के कैसे पहचानेंगे, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो हम लिखते हैं इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा अटैक करता है बेंजीन पे, वो अटैक करता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एच प्लस। ये इसका मैकेनिज्म है, उसको बाद में हम कभी किसी वीडियो में हम डिटेल से बता देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो इसका जो अगर लिखे तो ये क्या है, बेंजीन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। ये सेकेंड स्टेप हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये अटैक किया, तो अब रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन, उसके बाद रिएजेंट, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रेशन के लिए कॉन्क HNO3 और H2SO4 होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे जो बनता है नाइट्रोनियम आयन NO2+, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। उसके बाद ब्रोमिनेशन, Br2+ लिविस FeBr3, ये क्या होगा, Br+, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद क्लोरीनेशन के लिए Cl2 FeCl3 या AlCl3, ये क्या बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, क्लोरीन Cl+। सल्फोनेशन के लिए क्या, H2SO4 प्लस SO3 भी होगा, SO3H, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल R+। एसाइलेशन ROCOCl प्लस AlCl3 या फिर CH3, या COCO
सेलियम आयन। तो यहाँ पे हमको देख करके ये समझना होगा कि अगर सल्फोनेशन हो रहा है तो रिएजेंट ये यूज होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करेगा बेंजीन में, या फिर कहीं पे ये अटैक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे ये रिएजेंट को देख करके हमको पहचानना होगा कि कौन सा रिएजेंट है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रेशन में कौन सा रिएजेंट है, इसको देख करके हमको याद समझ जाना होगा। जब भी कौन का CnO3 या H2SO4 है तो यहाँ पे नाइट्रेशन हो रहा होगा। अगर सी क्या हो रहा है, RCl या AlCl3 है, AlCl3 है तो अल्काइलेशन हो रहा होगा या हेलोजिनेशन हो रहा होगा। तो ये चीज़ हमको देख करके समझना होगा, तब हम इलेक्ट्रोफिलिक का जो क्वेश्चन है उसको हम कर पाएंगे।